हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। वो क्या है ना, आजकल लाइफ जो है फुल स्पीड भाग रही है। मास्टर शेफ का शूट शुरू हो चुका है, तो जब मैं खाना बनाते बनाते थक जाता हूँ तो मैं और खाना बनाता हूँ थकान भगाने के लिए। वो क्या है कि जब मर्ज का इलाज भी मर्ज ही हो तो मर्ज अच्छा है। मतलब नहीं समझे ना आप, म्यूजिक के बाद समझाता हूँ। तो मतलब ये था कि जब बीमारी ही बीमारी का इलाज करे तो बीमारी अच्छी है, और खाना पकाना एक ऐसा मर्ज है कि जब आप खाना पकाते पकाते थक जाएं थोड़ा और खाना बना ले, थकान चली जाती है। फार्मूला जो है वो फिट है। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार। आज बनाएंगे नवरत्न कोरमा। ठीक है, नवरत्न कोरमा यानी कि नौ चीजों से बना हुआ कोरमा। किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, सबसे पहले मिक्स वेजिटेबल आइटम में ये नवरत्न कोरमा जरूर दिख जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि भाई रेस्टोरेंट वालों की बची कुछ सब्जियां इस्तेमाल हो जाती हैं, और दूसरा ये है कि भाई लोगों की डिमांड बहुत, और इसी भारी डिमांड की वजह से देखिए हम भी बना रहे हैं नवरत्न कोरमा। एक्चुअली मिस हो गया, बहुत पहले बन जाना चाहिए। गोभी के फ्लोरेट्स काटने, फ्लोरेट्स यानी कि बेबी फूल, गोभी के फूल के बेबी फूल। उसके बाद सब्जी आप जैसे मर्जी काट लीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग एक जैसी सब्जी काटिए। ऐसा ना हो कि आधी कच्ची रह जाए आधी पक जाए, वरना जो है आप बनाने जाएंगे नवरत्न कोरमा, आधा बन जाएगा कोरमा आधा बन जाएगा हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने गाजर खाई। देखिए आप चाहें तो इसके आप परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर काट सकते हैं, परफेक्ट क्यूब काट सकते हैं, लेकिन परफेक्ट के चक्कर में वेस्ट बड़ा होता है खाना, साइड का जो कॉर्नर है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए परफेक्ट की बजाय लगभग एक जैसा कर लीजिए, बहुत है। परफेक्ट शेप देने के चक्कर में जो ट्रिमिंग्स होती है ना वो वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, एज यूजुअल सेम काम हो गया है। रणवीर ब्रार ने शुरू तो किया कि बनाएंगे नवरत्न कोरमा, और सब्जी काट ली ऐसे कि बन जाएगा नवरत्न कोरमा। अब कहना बहुत आसान है कि देखिए नवरत्न पुलाव और नवरत्न कोरमा, ये बादशाह अकबर के समय वहां से आया नवरत्न कोरमा, लेकिन इस बात में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि पहली बार तो है नहीं किसी ने नौ सब्जियां डाली है भाई, या नौ चीजें डाली हैं। दूसरी चीज, कोरमे जो है वो ज्यादातर बनते थे नॉन वेज। नवरत्न कोरमा जो है किसी बहुत ही स्मार्ट रेस्टोरेंटर का आइडिया है। उन्होंने बोला भैया एक काम करो, मिक्स वेज को मुगलई स्टाइल में क्या नाम दें? तो बोला एक काम करो नवरत्न कर दो। ये गए पोटैटो उर्फ आलू, और ये गई गाजर उर्फ गोभी। कोशिश ये करनी है कि पहले वो सब्जी डाली जाए जो देर से गलेगी, और बाद में वो सब्जी डाली जाए जल्दी गल जाएगी। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं ग्रेवी अलग बनाऊं, एक तरीका ये है कि मैं ग्रेवी साथ बनाऊं। नहीं बनाऊंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। देखिए मैं जो बना रहा हूँ वो नो ऑनियन नो गार्लिक है। ठीक है, अगर आप चाहें तो प्याज डाल सकते हैं, लहसुन की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लहसुन उर्फ लहसुन टेस्ट खराब ही करेगा, बेटर नहीं करेगा। अगर आप प्याज यूज कर रहे हैं तो प्याज को ना उबाल लीजिए, प्याज को उबाल के पानी फेंक के प्याज का पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, और इस स्टेज पर वो प्याज का पेस्ट डाल दीजिए। तो बेसिकली ग्रेवी तो मैं बना दूंगा साथ में, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए बड़ी हांडी। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत करी तो ये नहीं पता ना कि हमारा मूड चेंज हो जाएगा। ब्यूटीफुल, गोभी भी जा सकती है इसके अंदर। अब ये जो है ना आइडियल साइज है नवरत्न कोरमे के लिए, इससे थोड़ा छोटा भी चलेगा, इससे बड़ा नहीं चाहिए। ये जिससे थोड़ा बड़ा रह गया इसको बीच से काट लेते हैं। गोभी दूसरा क्या है ना, गोभी टूटती है जब आप बनाते हैं, तो गोभी वैसे भी टूटती है, इसलिए गोभी थोड़ी बड़ी रहे तो अच्छा है। क्या है ना, पहले मेरा भी मूड यही था कि रणवीर छोटी हांडी में सब्जी पकाते हैं बाद में ग्रेवी बनाते हैं, फिर मूड जो है चेंज। कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाया जाए ना आपको। अब डालना है जी, भगवान भला करे, अदरक। देखिए ये जो कोरमा है ना, इसके आलू जो है वो थोड़े ओवर कुक होने चाहिए, कि गाढ़ापन जो है थोड़ा आलू से भी आना चाहिए। मेरा प्रिय मित्र थोड़ा धनिया पाउडर, रंग हल्दी का रंग बेटर करने के लिए बिल्कुल चिंटू सी लाल मिर्च, और मसालों की भुनाई। तो मैं क्या बोल रहा था, आलू जो है गलना चाहिए, ओवर कुक होना चाहिए इसमें।
आलू का मकसद ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करना भी होना चाहिए, वरना आपको काजू वाजू बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। और काजू वाजू ऐसी चीज़ है कि आप डाल तो देते हैं लेकिन सिर्फ काजू ही बोलता है, फिर और कुछ बोल नहीं पाता। काजू कोट कर लेता है ना पैलेट को, फिर और की सब्जी का टेस्ट नहीं आ पाता। तो इसलिए जब भी कौरमे और में आलू डालें तो आलू को ओवर कुक कर लें ताकि आलू से कौरमा गाढ़ा हो जाए। सब बता दिया मैंने, देखा कुछ नहीं छोड़ा बताने के लिए। आप चाहे तो इसको वाइट में भी बना सकते हैं। अगर आप वाइट में बना रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रेवी अलग बनाइए और सब्जी उबाल के उसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि सब्जी भुनेगी तो रंग आएगा, और रंग आएगा तो आपको कौरमा वाइट नहीं हो पाएगा। लेकिन नवरत्न कौरमा जो है वो येल्लो में भी होता है और वाइट में भी होता है। नमक और अब दही। दही कब डालनी है? जब हमें ये कन्फर्म हो चुका है कि सब्जी जो है वो लगभग कुछ नहीं तो 70% पक चुकी है, क्योंकि दही की खटास से सब्जी का पकना स्लो हो जाएगा। बहुत लोग जो है नवरत्न कौरमा में क्रीम डालते हैं। क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है, दही से भी काम हो सकता है, लेकिन दही जो आप यूज़ कर रहे हैं वो दही भगवान भला करे खट्टी नहीं होनी चाहिए, है वरना दही की खटास जो है ओवर पावर कर लेती है, मज़ा नहीं आता। दही अगर ज़्यादा खट्टी नहीं है तो क्रीम व्रीम डालने की ज़रूरत नहीं। यहीं पर दही जैसे पूरा एक कप मैंने डाल दिया, बस अब गई बीन। इनको क्यों करवाएं इंतज़ार भाई, इनसे मिलिए। ये है काजू पेस्ट, ठीक है। ये जो है 10 काजू हैं जिनको गर्म पानी से निकाल लिया गया है। और गर्म पानी से क्यों निकाला है? क्योंकि वो ऑफ स्मेल आ जाती है ना कई बार पड़े पड़े काजू में, तो वो नहीं आती। दूसरी चीज़, काजू थोड़ा सा और सफ़ेद हो जाता है तो कलर बेटर हो जाता है। बस गर्म पानी में डाल के निकाल लीजिए। अगर आपके पास उबलता हुआ पानी है उसमें डालिए, 10 तक गिनिए और निकाल लीजिए। ये देखिए सब्जी रेडी, दही पक गई, मसालों की खुशबू आ रही है, हल्दी जो है वो कच्ची नहीं है। बस सिग्नल क्या है? सिग्नल ये है कि हल्दी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। कायदे से अगर आप प्याज डाल रहे हैं, अनियन डाल रहे हैं, कांदा डाल रहे हैं, उसको उबालिए, और जितना सफ़ेद प्याज होगा उतना अच्छा है। उसको उबालिए, उबाल के पानी फेंकिए पेस्ट बना लीजिए, और प्याज को पहले सब्जी के साथ भून लीजिए। अगर यहाँ पे प्याज होता तो आपको काजू इसका आधा डालने की ज़रूरत पड़ती, मतलब अभी जैसे मैंने 8 काजू लिया है तो आपका 4 काजू में काम हो जाता, ठीक। एक कौरमा जो है वो लाहौरी स्टाइल का बनता है, वो जो कौरमा है उसके अंदर काजू के साथ में कोकोनट होता है ना, ड्राई कोकोनट का बुरादा, नारियल का बुरादा, उसका भी पेस्ट बनता है। तो काजू और नारियल के बुरादे के साथ में उसको बढ़िया सा गाढ़ा कर लिया जाता है। गोभी गल चुकी है। काजू पेस्ट अगर आपने डाल दिया तो काजू पेस्ट क्या एकदम से नीचे पकड़ लेगा, राइट, क्योंकि काजू पेस्ट जो है वो हैवी होता है, नीचे बैठ जाता है और नीचे लग जाता है। इसलिए काजू पेस्ट लास्ट में डालना है। जब हम कन्फर्म कर लेंगे सब पक पका गया है, हमारी सारी सब्जी पक पका गई है, तब काजू पेस्ट डालना है, और काजू पेस्ट डाल के चला देना है। अब देखिए अलग से सब्जी नहीं उबालनी पड़ी, अलग से ग्रेवी नहीं बनानी पड़ी। नवरत्न कौरमा देखिए, नवरत्न कौरमे की धार देखिए, रंग देखिए, रंगों की पुकार देखिए, वाह। इसका एक जो है टॉपिंग के लिए मसाला मैं बना रहा हूँ, ज़रूरी भी है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी और को बताइएगा मत। बस इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है ग्रेवी, एक तो रिड्यूस होकर गाढ़ी होगी, दूसरा ठंडी होकर गाढ़ी होगी, राइट। तो यहाँ पर आपने ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक। आप बनाने जाएंगे नवरत्न कौरमा, बन जाएगा ऐसे कुछ चिपका चिपका फेविकोल, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था ग्रेवी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ग्रेवी ठंडी होकर भी गाढ़ी होती है और रिड्यूस होकर भी गाढ़ी। लगा दीजिए ढक्कन, लीजिए प्रभु का नाम, और ये जो मसाला कम तड़का बन रहा है ये समझ लीजिए, ठीक है। हेलो, पनीर, बादाम, काजू, महंगा वाला मामला जा रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हींग, हल्की सी लाल मिर्च, कसूरी मेथी,
मैं क्या ब्यूटीफुल हो गया साहब, देखिए, नो झंझट, वन पॉट मील एंड ओनली टेस्ट। देखिए क्या है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेवी में थोड़ी शक्कर डाल लेते हैं, चाहे थोड़ी सी डाल सकते हैं, नहीं तो ऊपर से जो आपने काजू फ्राई किया थोड़ी किशमिश फ्राई कर सकते हैं मिठास के लिए, नहीं तो अंगूर या अनारदाना टाइप डाल सकते हैं तो मिठास आ जाएगी। बाकी आइटम एकदम फर्स्ट क्लास बना है, मोटा मोटी दिल खुश हो गया। बनाइए, खाइए, रेस्टोरेंट में जाके इतने पैसे खर्च करते हैं, हाँ, चार दिन पहले उबली हुई सब्जी ग्रेवी में डाल के मिल जाती है वो खाते हैं, खुद बना लिया तो शॉर्टकट बता दिया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।